साढ़े छः बजे बंदे आए यहाँ पे बिल्डोजर लेकर, 2000 के पूरा तैयारी के साथ आए, यानी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को कुछ नहीं। निगम पार्षद जो यहाँ पर आए हैं, वो जब ये इस जगह को शहीद कर दिया गया है उसके बाद में यहाँ पर आए हैं और अपनी सफाई दिखा गए। इस मुद्दे पे क्या बात करोगे, वो तो टूटना था तोड़ गए, वैध जगह पे तोड़ गए, वैध जगह पे क्या नहीं बन रहा, वैध क्या नहीं हो रहा, ये बताओ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं इस पर जो है सुबह एमसीडी द्वारा जो है एक्शन लिया गया है। एमसीडी ने जो है यहां पर बुलडोज़र चलाया गया है और एमसीडी का ये कहना है कि जो बुलडोज़र चलाया गया है वो इसलिए चलाया गया है क्योंकि यहां पर जो ये मस्जिद बनी हुई है वो अवैध अतिक्रमण है, अवैध तरीके से जो है यहां पर मस्जिद बनी हुई है। और आज सुबह से ही जो 6 बजे जो है एमसीडी यहाँ पर पहुँच गई थी और यहाँ पर बुलडोज़र चलना शुरू हो गया था। ये भी कहा जा रहा है कि कल भी एमसीडी यहाँ पर आई थी, लेकिन जब कल एमसीडी एक्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर लोगों ने विरोध किया था, लोग यहाँ पर भारी पथराव भी कल करे गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या था। सर आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक नाम है। कोई नोटिस वगैरह मिला था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने बजे आई थी यहाँ से? 6:30 बजे तक, 6:30 बजे बंदे आए यहाँ पे बिल्डोजर लेकर, 2000 के पूरा तैयारी के साथ आए, यानी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को कुछ नहीं। ठीक है, जो लोग स्थानीय थोड़ा थोड़ा पता करे, जब भीड़ भड़ी यहाँ पे औरतें भी चढ़ी नहीं जो तो पूरा तोड़ देते, वो तो रुकवा दिया। मुकेश अलाव तो बाद में आए, मुकेश अलाव से पूछा गया भाई कोई बात है, कोई नोटिस तो दिखाओ, नोटिस दिखाओ जब तो कार्रवाई करवाएंगे। नोटिस कुछ नहीं, कुछ नहीं। कल भी आई थी एमसीडी? कल नहीं आई एमसीडी, सुबह ही आई है। कल भी आई थी और कुछ नहीं आया था कल, कल खाली बात है, आज ही सुबह आया। जो बात है सर, अफवाह है कि कल भी आई थी, खाली कल मीटिंग बात हुई थी भाई तुम्हारा, जो वो ना जो 3 बजे से सारी मीटिंग हमारे सदर साहब कर रहे हैं, अभी भी मीटिंग ही चल रही है, अभी मीटिंग के बाद ही सारा जो भी जो मुद्दा जो होगा वो बाद में पता लगेगा, नमाज के बाद 2-3 बजे के टाइम पे। सर आपका नाम? मोहम्मद नसीम। कितनी पुरानी मस्जिद है ये? बहुत पुरानी मस्जिद है, हमको होश भी नहीं है। कितने साल पुरानी? कम से कम 100-200 साल होगी पुरानी मस्जिद। तो उससे वैसे एमसीडी का ये कहना है कि अवैध जगह पे बनी हुई है? नहीं, अवैध जगह नहीं है, अवैध जगह पे बनी है, तभी शायद एमसीडी ने यहाँ एक्शन लिया है ना, कोर्ट का आदेश है, कोई ये नहीं दिया है। नोटिस वगैरह दिखाया है कुछ ने? नहीं आया है, डायरेक्ट आया, 6 बजे तो पुलिस आ गई थी यहाँ पे, कहा जा रहा था कि कल भी एमसीडी यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, बुलाया था SHO ने। और यहाँ पर लोगों ने पत्थरबाजी भी की? नहीं नहीं, पत्थरबाजी नहीं करा है, एक गैर मुस्लिम आके यहाँ पे 2-4 लोगों ने पत्थरबाजी करा था तो उसको हम लोग भगा दिए थे, देख लिए थे। और बाहर के लोग? जी हाँ हाँ। पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई है, मीडिया कर्मियों पर? नहीं नहीं, उस पर नहीं हुई, पुलिस पर नहीं, कोई गैर मुस्लिम आके पत्थरबाजी करा था पुलिस पे। इससे पहले नोटिस बताया गया कि ये तोड़ी जाएगी, इससे पहले आप बताया गया था? नहीं नहीं। यहाँ पर लोग भी मौजूद थे सारे जब ये तोड़ा जा रहा था? बहुत सारे लोग तो बाद में आए हैं, थोड़े बहुत थे जो भी लोग थे यहाँ पे, थोड़े बहुत थे जब लोगों को पता लगा, हौले हौले करके जब भीड़ बढ़ी है यहाँ पे, भीड़ की वजह से सारे बंदे रुक गए, तो मुकेश अलाव जी जो भी आए थे वो सारे चीज़ कह गए, उनके कहने से सारी चीज़ रुक गई। ठीक है, अब वो फिलहाल में अभी बात चल रही है, मीटिंग चले, वो मीटिंग के बाद ही डिस्कस होगा क्या होगा। बगैर नोटिस के दिया तोड़ दिया गया, ना कोई हमारे पास में कोई अधिकारी आया, ना ही कोई हमारे पास खबर पे पहुंचाई गई। कितने बजे एमसीडी आए? तकरीबन जो है नहीं 6:30-7 बजे करीब एमसीडी वाले यहाँ पर आए हैं। कल भी एमसीडी आई थी तब उन पर पथराव कर दिए गए थे, उनको वापस? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह आए हैं। अफवाह बता जी। और क्या कहेंगे जो निगम पार्षद यहाँ के, कोई आए, कोई आश्वासन? निगम पार्षद जो यहाँ पर आए हैं वो जब ये इस जगह को शहीद कर दिया गया है उसके बाद में यहाँ पर आए हैं और अपनी सफाई दिखा गए, जो है नहीं वो चले गए, अपनी अपनी सफाई दिखा रहे हैं। बाकी निगम पार्षद MLA वगैरह से SCP DCP से अभी बात चल रही है, तकरीबन 3:30 बजे करीब अभी और मीटिंग होगी, अब बातचीत अब उसके बाद होगी। सर ये अवैध था इसलिए इसको तोड़ा गया? अवैध था तो इसको जो है नहीं एक नंबर में करने के लिए इसकी उसी टाइम से जिस टाइम पे ये जगह को अपने अंडर में लिया गया उसी टाइम से हमारी फाइल कागज़ तैयार थे सबमिट करने के लिए, लेकिन अभी कोर्ट ने जो है नहीं हमारी कोई कागज़ सबमिट नहीं किए,
ठीक है। और हम जो है ना यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फाइल सबमिट होए तो हमारी पेमेंट जमा होए तो उसके बाद में ये फिसाद जो रोज़ का फिसाद रह गया ख़त्म हो गया। कितने साल पुरानी मस्जिद है ये? 1980 से भी पहले की ये मस्जिद है। पुरानी जी, काफ़ी पुरानी मस्जिद। इसके ऊपर मदरसे भी है जी? इसके ऊपर मदरसा भी आएगा, नीचे मस्जिद है, ऊपर मदरसा आएगा। कहाँ तक के एरिया को तोड़ने की बात? ये जो आपके पीछे आएगा ये वाला एरिया और जो हम ये खड़े हैं ये वाला एरिया पूरा मिसमार करने का इरादा था इनका। कल जो है कल पथराव वगैरह भी हुए थे, MCD जब आई थी तो पथराव। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, तुमने फिर शुरू कर दिया यार। कैमरे ये अफवाह है तो आप बताइए ना, गलत है? गलत है मैडम, सब गलत है। आप इसको मुद्दा बनाओ, इसको बनाओ। कोई सुबह से आदमी क्या कर रहा है, कहे के लिए बच्चों के लिए जाता है, उठ के दो बच्चों का पेट पालने के लिए कमाने जाता है मंदिर मस्जिद। मुद्दा ना बनाओ, नफरत ना फैलाओ। अरे बाहर के लोग आए थे जिन्होंने पथराव करे, हम किसी को नहीं जानते जो कर रहे। आप एक काम करो सिर्फ, प्लीज आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप रोजगार देखो, ये देखो, इनको मुद्दे बनाओ, कौन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। आदमी जो मुद्दा है सर उस पर तो बात, इस मुद्दे पर क्या बात करोगे, तो टूटना था तोड़ गए वैध जगह पे। क्या नहीं बन रहा वैध, क्या नहीं हो रहा ये बताओ। वैध में बनेगा तो फिर टूटेगा नहीं, गली मोहल्ले में मंदिर भी बनेगा या फिर अगर चर्च भी बनेगा वो अवैध जगह पे बनेगा तो उसे तोड़ा तो जाए। मेरी मैडम मैं बता रही हूँ सारी जगह वैध है, आप पहले कार्रवाई उन पे करो, अगर ये वैध है तो सारी को तोड़ के चले जाओ। और बताओ आगे भी हो जाएगी कार्रवाई? कहाँ नहीं हो रही, आगे करो ना कार्रवाई। सुबह यहाँ हो गई दोपहर में और कहीं करवाते हैं, क्यों नहीं करवाई? आप इसके खिलाफ है जो अभी हुआ है। अवैध जगह बनाए तो सर यार कितने ले लिया इस चीज में, इन्हें तो बात भी नहीं करनी आ रही, इन्हें लिया किसने? आप जैसे बात कर रहे हैं वो सही है मैडम, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपको बात करके नहीं पता क्या कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आपका बोल कोई आज तक ही मंदिर आपकी तोड़ के जाए आप खुश हो गए या क्या करोगे? आप कह रहे हैं ये मेरा अवैध जगह पे बनाए तो एक्शन होना चाहिए, यही चीज कह रही हूँ। इस पर आप कहाँ से एग्री है? मैं वेद तो नहीं, हमारा जगह पे बनाए तो टूटना, इसी बात पे एग्री कर रहे हैं। क्यों टूटना चाहिए? आप नहीं तो बोले है चाहिए, ये तो जगह पे बना है। मैं कह रहा हूँ नहीं चाहिए, नहीं टूटना चाहिए ना, नहीं टूटना चाहिए। सारी दिल्ली है, सारी दिल्ली थोड़ी ना तोड़ देगा कोई, अभी तो सारी दिल्ली है, पूरी दिल्ली में अवैध जगह फिर सभी अवैध है क्या? सब अवैध है मैडम। यहाँ पर जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि उन्हें ना तो कोई MCD द्वारा नोटिस दिया गया ना ही पहले इस चीज़ को बताया गया, अचानक से ही सुबह 6 बजे के करीब जो है MCD आ जाती है और अपने बुलडोज़र के साथ यहाँ पर जो है मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, क्या कहे न्यूज़ बताई जा रही है कि जो लोग थे यहाँ पर जिन्होंने पथराव किए थे उनका ये कहना है कि वो लोग बाहर के थे, बाहर के लोगों ने पथराव किया था और यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर ये लोगों का ये सवाल है कि ना तो इन्हें नोटिस दिया गया था और अचानक से MCD का एक्शन यहाँ पर हो गया था। अब देखते हैं कि आगे इसको लेकर MCD क्या करती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।